हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट इफेक्ट। तो चलिए फ्रेंड, आज का जो हमारा वीडियो है, एक कंप्यूटर कैसे बनाए बहुत ही मस्त क्वालिटी और डिजाइन वाली और बहुत ही अच्छी दिखने वाली पीसी फ्रेंड। तो यही हमारा आज सबसे मस्त और अच्छी डिजाइन दिखने वाले पीसी, जिसको मैंने असेंबल किया हूँ बहुत ही कम कॉस्ट में और बहुत ही अच्छे डिजाइन के साथ में फ्रेंड। इसमें बहुत ही अच्छे से लेटेस्ट वर्जन, मतलब लेटेस्ट अपडेट मैंने किया हूँ पहले के मुकाबले में, जिससे कि ट्रांसपेरेंट वाला पीसी मैंने पहले भी बना के आपको दिखा चुका हूँ, जिसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ फ्रेंड। बट अभी जो है लेटेस्ट में जो मैंने अपडेट किया हूँ, इसमें एक स्पीकर लगा, दो स्पीकर यहाँ पर लगे हुए फ्रेंड। तो ये दो स्पीकर मैंने लेटेस्ट में अपडेट किया हूँ, और चलिए मैं इस स्पीकर को भी आपको चेक करके दिखाते हैं फ्रेंड कैसे इसके साउंड की क्लैरिटी है। तो फ्रेंड, इसके जो साउंड की क्लैरिटी बहुत ही मस्त मिलने वाली है। और यहाँ पे मैंने शीशा का उपयोग किया हूँ, जो कि फाइबर ग्लास, ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। ये थोड़े से मैंने मोटी क्वालिटी यूज़ किया हूँ, ताकि पीसी गिरने उड़ने से कुछ दिक्कत नहीं आए शीशा में। और प्लास्टिक है, थोड़ा सा मोटी है तो अच्छी है, और पीसी भी अच्छी तरीके से इसमें बिल्ड आप अपना कर पाएंगे फ्रेंड। मैंने यहाँ पर इजी टू कैरी के लिए मैंने इस पीसी को बहुत ही छोटा डिज़ाइन में बनाया हूँ फ्रेंड, और बहुत ही छोटा में बहुत सारे चीज़ को देने का मैंने कोशिश किया हूँ फ्रेंड। इसमें ग्राफिक्स कार्ड बाद में लगाना भी चाहेंगे फ्रेंड, तो इनबिल्ट इसमें ग्राफिक्स कार्ड भी हम इंस्टॉल कर पाएंगे। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो ग्राफिक्स कार्ड के लिए मैं आपको बाद में वीडियो बना दूँगा फ्रेंड, लेकिन हमें अभी ग्राफिक्स कार्ड की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड। लेकिन यहाँ पर एक मैंने जो भी इनबिल्ट चीज़ है, सारी चीज़ को मैंने इसमें लगाया, जैसे कि एक फ़ैन लगा दिया हूँ, जो कि अंदर के जो भी गैस है वो सारी चीज़ को बाहर निकालेगी बहुत ही रफ्तार से। ये फ़ैन भी मैंने हाई स्पीड वाली 12 वोल्ट फैन मैंने लगाया, जो कि बहुत ही मस्त जो भी गर्माहट है सब बाहर निकाल देती है फ्रेंड। मैंने यहाँ डिज़ाइन में दो स्पीकर का इनबिल्ट किया हूँ, और एक साउंड बोर्ड लगाया हूँ, और जो कि पीसी से ही 5 वोल्ट बोर्ड को मिल रही है फ्रेंड। बोर्ड से नहीं देके आप चार्जर से भी दे सकते हैं, बोर्ड में अगर देते हैं तो अगर कुछ दिक्कत हो जाती है तो बोर्ड को भी ख़राब कर सकती है स्पीकर, इसलिए डायरेक्ट आप चार्जर एक लगा देंगे और दो स्पीकर, और इजीली जैक के थ्रू आगे वाले जैक में कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे, जिससे कि मैंने जैक में कनेक्ट करके रखा हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड, बहुत ही मस्त क्वालिटी और बहुत ही बेटर मैंने इसको तैयार किया हूँ, और ग्लास का जो खर्चा 600-700 रुपये के अंदर में आपका जो ये डिज़ाइन तैयार हो जाएगा, और नॉर्मल बॉडी भी 1000-1200 के अंदर में आ जाती है फ्रेंड। लेकिन मैंने इसको कम खर्च में और अच्छी तरीके से बिल्ड किया हूँ, मेहनत की जो है तो मेहनत तो लगेगी फ्रेंड। और चलिए फ्रेंड, यहाँ पे जो है कुछ वायर को भी यहाँ से कनेक्ट किया हूँ, और 5 वोल्ट यहीं से भी मैंने लिया हूँ। अगर मदरबोर्ड से लेना है तो 5 वोल्ट से ले सकते हैं, ओजीली कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका रिक्स मुझे नहीं है। और फ्रेंड, यहाँ पे जो भी है चीज़, सारी चीज़ आपको सामने दिख रही है। यहाँ पर लाइट का डिज़ाइन भी, कलर भी कितने इफेक्ट में चेंज हो रही है। लेकिन इस पीसी में एक अपडेट भी अभी भी बाकी है फ्रेंड, जो कि अपडेट है पीसी की फैन। ये वायर तो आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ से मैंने सारे चीज़ को कनेक्ट किया हूँ, और यहाँ पे एक फ़ैन जो है, इस फैन को भी मैं कलरफुल कर दूँगा कुछ ही दिनों में, जो कि लेटेस्ट अपडेट वीडियो आपको मिल जाएगी फ्रेंड। ये फ़ैन भी आपको अमेजोन पे अवेलेबल मिल रही है, कलरफुल वाली, जो कि बहुत ही मस्त क्वालिटी का आपको मिल जाएगा फ्रेंड। मैंने यहाँ पर पावर सप्लाई और पीसी को इंस्टॉल करने के बारे में भी पहले वीडियो बना के दिखा चुका हूँ फ्रेंड, तो उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी फ्रेंड। मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन को ध्यान में रखते हुए मैंने डिज़ाइन किया हूँ फ्रेंड। यहाँ पे देखिए, दो हार्ड डिस्क लगा दिए, जो कि छोटी वाली हार्ड डिस्क इजीली लग जाएगी, इजी टू छोटा बनाने के लिए SSD लगाया हूँ, ताकि कोई पटक उटक में कोई दिक्कत ना हो, और एक हार्ड डिस्क है नॉर्मल, और यहाँ पे SMPS पावर सप्लाई हमारा जो है इनबिल्ट किया हूँ इसके अंदर में, और
ये हमारा मदरबोर्ड है जिसके पीछे थोड़ा सा देखने में ख़राब लगता है, इसलिए मैंने फ़ोटो डाल दिया। और यहाँ पे पावर सप्लाई के पास भी थोड़ा सा ख़राब लगता है देखने में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे फ़ोटो लगा दी ताकि देखने में और ही बेटर लगे। और कुछ इस तरीके से यहाँ पर भी पावर सप्लाई में भी थोड़ा सा बेकार लग रहा था देखने में, और कचरा भी जम जाती है वहाँ पे तो अच्छी नहीं लगती, जिसके कारण से मैंने वहाँ पे फ़ोटो दे दिया हूँ। फ्रेंड यहाँ पे पिक्सेल एलईडी मैंने इंस्टॉल किया जो भी ऊपर तरफ से देखने में बेकार लग रही थी पहले वाले के थ्रू में, तो पहले वाले बहुत ही बेकार लग रही थी जिसके कारण यहाँ पे मैंने फ़ोटो का यूज किया ताकि देखने में बेटर लगे और यूनिक लगे और अच्छे लगे और फ़ोटो आपके जो डिज़ाइन की क्लैरिटी बढ़ा देती है। फ्रेंड इसके जगह में आप दूसरा डिज़ाइन भी आप फिर लगा सकते हैं। फ्रेंड मैंने तो फोटो का उपयोग किया हूँ, यहाँ पे मैंने पिक्सेल एलईडी यूज किया हूँ फ्रेंड, और पिक्सेल एलईडी को ड्राइव किया हूँ आर्डिनो आईसी से, जिसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं दूंगा। अगर आपको चाहिए इसके बारे में वीडियो तो मैं आपको बना दूंगा पिक्सेल एलईडी कैसे कंट्रोल करेंगे, इसके लिए वीडियो मैं एक जरूर बनाऊंगा फ्रेंड, जिससे कि आप पिक्सेल एलईडी को कंट्रोल कर पाएंगे फ्रेंड। तो इसलिए फ्रेंड यहाँ पिक्सेल एलईडी को चिपका लेते हैं। और फ्रेंड जो इस चैनल पर न्यू है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे सब्सक्राइब किए रहेंगे तो हमारे पास बहुत ही सारे लेटेस्ट वीडियो जल्दी ही मिलते रहेंगे। फ्रेंड फिलहाल हमारे पास कुछ समस्या के कारण मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, और हमारा एक न्यू चैनल है फ्रेंड जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जाके इसको सब्सक्राइब करें सपोर्ट करें, लॉजिक सर्किट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्किट इफेक्ट और लॉजिक सर्किट। अभी तो यूट्यूब पे नया नया चैनल सर्च में नहीं मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ न्यू चैनल बोल के लॉजिक सर्किट का, वहाँ पे जाके हमारे चैनल को सपोर्ट करें, जिसमें आपको सिर्फ प्रोजेक्ट वीडियो देखने को मिलेगा। ये हमारा नॉर्मल प्रोजेक्ट था पीसी बिल्ड करने का, तो इस वीडियो को मैंने वहाँ पे अपलोड नहीं कर रहा हूँ फिर। तो चलिए फ्रेंड हमारे पीसी में बनते बनते कुछ कुछ कचड़े यहाँ पे जम चुका है, इस कचड़े को भी हटा लेते हैं फ्रेंड। और ये फ्रेंड बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने बहुत सोच समझ के डिज़ाइन किया और बहुत ही छोटा बनाने का कोशिश किया हूँ फ्रेंड, इसको इजीली एक छोटा सा बैग में भी आप लेके जा सकते हैं और लेके आ सकते हैं फ्रेंड। और इसमें आने वाले दिन में लेटेस्ट अपडेट बहुत सारे हो सकता है, जैसे कि छोटा सा डिस्प्ले इसी के अंदर में इनबिल्ट कर दूँ, जो कि प्राइस है डिस्प्ले का 3000 के लगभग में आती है, लेकिन उतनी प्राइस मुझे बहुत ही ज़्यादा लग रहा था इसीलिए मैंने यहाँ पर मोनिटर को इनबिल्ट नहीं किया। लेकिन इसके जगह में कोई और छोटा मोनिटर आपके नज़र में हो फ्रेंड तो मुझे ज़रूर से ज़रूर हमारे नंबर पर व्हाट्सअप करें, और इससे रिलेटेड कुछ भी जानकारी आपको चाहिए पीसी से तो व्हाट्सएप में हमसे आप चैट कर सकते हैं, और इजीली आप इसको अपने अनुसार बना सकते हैं फ्रेंड। और साइज क्या है इसकी वो आप अपने अनुसार लेके इसको बिल्ड कर सकते हैं फ्रेंड, और कितनी इंच कितनी ये आपका जो मदरबोर्ड के अनुसार ये डिपेंड करेगा कि कितना बड़ा मुझे बनानी है, तो आपके अनुसार ही इसमें बिल्ड होगा फ्रेंड। तो फ्रेंड ये वीडियो आज यहीं तक, और फ्रेंड एक नया वीडियो और फिर से ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में फिर से मिलते हैं फ्रेंड, तब तक के लिए बाय, फिर से एक नया वीडियो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में फिर से मिलते हैं फ्रेंड।